सामने आ रही समालखा से, जहां पर समालखा के गांव बहरामपुर में तेंदुआ घुस गया है। बता दें कि तेंदुए घुसने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तेंदुए ने हमला भी किया है, तो वन विभाग के अधिकारियों पर हमला भी यहां पर किया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोहतक से विशेष टीम भी यहां पर बुलाई गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर तेंदुए ने हमला भी किया है। एसएचओ और दो वाइल्ड लाइफ कर्मी घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का अंदेशा, यमुना पार से ये तेंदुआ आया है। तो बता दें कि ग्रामीणों का अंदेशा है कि यमुना पार से तेंदुआ आया है और खेतों में खुलेआम तेंदुआ घूम रहा है, जिसका वीडियो भी अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण जो है वो लगातार भय के माहौल में है, क्योंकि नहीं पता कि तेंदुआ कहाँ छुपा हुआ है और कब हमला कर दे, जिसको पकड़ने के लिए लगातार टीमें बना दी गई है। वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी जानकारी, वन विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तेंदुए ने हमला भी किया है। इस हमले में एक एसएचओ समेत दो वन कर्मी भी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। समालखा से ये बड़ी जानकारी, रोहतक से विशेष टीम भी बुलाई गई है। तो तेंदुए की चहलकदमी तेज हो रही थी, जिसके बाद सूचना मिली, उसके बाद पकड़ने का प्रयास तेज किया गया है। आपको बता दें कि जब तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उसी वक्त तेंदुए ने हमला कर दिया। खेतों में खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि समालखा के गांव बहरामपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर तेंदुए ने हमला किया है और ऐसे में कई लोग वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से तेंदुआ ज्यादा जख्मी नहीं कर पाया है। लेकिन उसके बावजूद भी तेंदुआ अभी पकड़ में नहीं आया, प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का अंदेशा, यमुना पार से ये तेंदुआ आया है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हर एक इलाके में पिंजरे यहां पर लगा दिए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके से तेंदुआ गांव में घुसाया है, दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है, वन विभाग की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, तेंदुआ जो है देर रात को वन विभाग की जो स्पेशल टीम रोहतक से आई थी, उनके द्वारा वो पकड़ लिया गया है। और इसमें जो बड़ी जो बात है, तेंदुओं के पकड़ने के दौरान जो है कई पुलिस कर्मचारी और जो रेस्क्यू टीम के सदस्य थे, उनको तेंदुए ने घायल कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में बार बार अंदेशा जताया जा रहा है कि यमुना पार से तेंदुआ आया है। लगातार इस तरीके की वारदातें भी होती है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ कहना है वन विभाग का? देखिए, ये जांच इस बारे में चल रही है कि तेंदुआ वहां पर कैसे पहुंचा, यमुना पार से किस तरह वहां पे आया है, ये जो है जो जांच टीम है उसके द्वारा जांच चल रही है। चलिए ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो समालखा से बड़ी जानकारी, वन विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेंदुआ अब पकड़ में आ चुका है, वन विभाग की टीम ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन ये जरूर जांच का विषय है कि तेंदुआ ग्रामीण इलाके में कहां से उसने घुसपैठ की है, क्योंकि जिस तरीके से तेंदुआ ने घुसपैठ की है, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कई पुलिसकर्मी और वाइल्ड लाइफ के जो कर्मचारी हैं उनको भी घायल कर दिया है।